तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के शब्दों में। तो यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और उसके आधार पर किस प्रकार रेडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। तो आइए उसको समझते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द रिएक्शन, हम लोग पहले ही इस प्रकार के रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, सोडियम जब रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ तो बनाया सोडियम क्लोराइड, उसी प्रकार सोडियम जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो बनाया सोडियम ऑक्साइड। ये दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम जब सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो बनाया सोडियम सल्फाइड, ये तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सभी के सभी तीनों जो हैं आर रेडॉक्स रिएक्शंस, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम लोग जानेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हैं, तो देखिए समझते हैं। बिकॉज इन ईच ऑफ दीज रिएक्शंस, ये जो प्रत्येक जो रिएक्शन है इसमें क्या देखते हैं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें या तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है सोडियम में या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम के साथ जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर तीनों ही रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमुलटेनियसली साथ ही साथ यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन जो है, ऑक्सीजन जो है और सल्फर जो है, ये तीनों रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज टू ईच ऑफ दीज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज बीन एडेड, क्योंकि तीनों में क्या देखते हैं कि सोडियम जुड़ रहा है और सोडियम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। इस वजह से क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और सल्फर रिड्यूस हो रहा है। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, हमें अपने केमिकल बॉन्डिंग की ज्ञान से वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड, ये सभी तीनों के तीनों जो हैं आयनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होता है और उसके बाद वो जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है। तो ये तीनों का तीनों आयनिक कंपाउंड है। एंड परहैप्स बेटर रिटेन एज, तो इसको अच्छे तरीके से अगर आयनिक कंपाउंड है तो इसको आयन के रूप में लिखते हैं। तो पहला को लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस, दूसरा को लिखेंगे Na प्लस 2O2 माइनस, और तीसरा को लिखेंगे Na प्लस 2S2 माइनस। मतलब तीनों को हम लोग इस तरह से आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज, तो यहाँ पर देखिए चार्ज जो आया है स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट में जो चार्ज डेवलप हुआ है, प्रोड्यूस सजेस्ट अस टू रिराइट द रिएक्शंस, तो ऊपर में जो आया है उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं नीचे तो दिखाए गए आधार पर। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो ऊपर का जो था वो ये रिएक्शन ऐसा था, किंतु हम लोग अब यहाँ दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के आधार पर। तो सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है आयन बनने में, क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है
आयन बनने में, दूसरे रिएक्शन में आए तो ये है दूसरा रिएक्शन। सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है आयन बनने में, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आयन बनने में। अब यदि तीसरे रिएक्शन में चलें तो तीसरा रिएक्शन हम लोग का ये था, यहाँ पर भी देखने को क्या मिल रहा है कि सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है आयन बनने में, सल्फर के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आयन बनने में। फॉर कॉन्वेनियंस सुविधा के लिए ईच ऑफ द एबव प्रोसेसेस, तो अभी तीनों जो हम लोग प्रोसेस देखें यानी कि तीनों जो रिएक्शन देखें, कैन बी कंसीडर एज टू सेपरेट स्टेप, तो इसको हम लोग दो भिन्न भिन्न स्टेप में भिन्न भिन्न चरणों में इसको हम लोग समझ सकते हैं किस तरह से, वो देखिए। वन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला स्टेप में हम लोग समझेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एंड अदर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्टेप में क्या समझेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है यानी कि उसको लिया जा रहा है। तो एक स्टेप में जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और दूसरा स्टेप जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। एज एन इलुस्ट्रेशन, तो यहां पर उदाहरण को दिखाने के लिए वी मे फर्दर इलोबरेट वन ऑफ दिस, तो उनमें से एक को हम लोग अधिक परिष्कृत द्वारा करते हैं, अधिक डिटेल से समझते हैं। से द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आइए पहला कोई समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना है। तो सबसे पहले सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो पहला देखिए आयन बना सोडियम का मगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। सेकेंड में देखिए क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो देखिए क्लोरीन अब आयन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ हम लोग दो स्टेप दिखाएं, एक लॉस को और एक गेन को। तो ईच ऑफ द एबव स्टेप, तो ऊपर में जो दोनों स्टेप जो भी देखें, ये दोनों स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, ए हाफ रिएक्शन कहेंगे। ये भी हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है, विच एक्सप्लिसिटली शोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर भाग ले रहा है वो चीज़ दिखा रहा है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, या तो किसी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी में जुड़ रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। सम ऑफ द हाफ रिएक्शन, अगर हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ दें तो गिव्स द ओवरऑल रिएक्शन, तो हमें ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर देखने को क्या मिला कि सोडियम और क्लोरीन जुड़ गया और सोडियम क्लोराइड बना। तो रिएक्शंस जो अभी हम लोग देखें 7.12 से लेके 7.14 तक, तो इससे कहीं ना कहीं हमें एक सजेस्ट मिल रहा है, एक सुविधा मिल रहा है, सलाह मिल रहा है, हम लोग को हेल्प मिल रहा है। रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जिस हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस देखने को मिल रहा है, उस हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बात करें तो हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, तो आधा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इट मे नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू मेंशन हेयर दैट द न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैज बीन अचीव्ड ओनली बाय एस्टेब्लिशिंग ए कोरिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ स्पीसीज एज पर द क्लासिकल आइडिया एंड देयर इंटरप्ले इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यह बताना प्रासंगिक होगा कि अलग अलग जो स्पीसीज में जो आपस में जो व्यवहार दिखा रहा है और वो जो अवधारणा आया है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की नई परिभाषा आई है। मतलब यहाँ सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो नई डिफिनेशन आया है वो स्पीसीज के बीच में
एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप आया हुआ है। इन रिएक्शंस, अगर हम रिएक्शन की बात करें 7.12 से लेके 7.14 तक, देखते हैं कि सोडियम में विच इज ऑक्सीडाइज, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑफ द एलिमेंट इंटरेक्टिंग विथ इट, क्योंकि सोडियम उन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो इससे इंटरेक्ट है, इससे जो जुड़ रहा है, एंड दस हेल्प इन रिड्यूसिंग देम, और उनको रिड्यूसिंग करने में मदद कर रहा है। क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिड्यूस हो रहा है और एक प्रकार का क्या काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बिकॉज दिस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम, क्योंकि ये सभी सोडियम से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। टू समराइज, अगर हम इसको संक्षिप्त में अगर हम बात करें, सारांश में बात करें, तो वी मे मेंशन दैट, तो हम यहाँ पर ये उल्लेख कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन किसको कहेंगे, न गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो रिडक्शन को दर्शाता है। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका होता है, तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे 7.2। तो यहां पर प्रॉब्लम को देखिए, लिखा है कि जस्टिफाई दैट द रिएक्शन सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन बना है और इसके कारण जो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है वो सोडियम हाइड्राइड है, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुआ है और सोडियम हाइड्राइड जो बना है वो एक रेडॉक्स चेंज है। ये हमें जस्टिफाई करना है, ये हमें बताना है कि ये रेडॉक्स चेंज हुआ है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सिंस इन द एवव रिएक्शन, चूंकि ऊपर दिखाए गए रिएक्शन में द कंपाउंड फॉर्म इज एन आयनिक कंपाउंड, तो ऊपर जो कंपाउंड बना है यहाँ पर ये एक आयनिक कंपाउंड है, विच मे ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग इस प्रकार आयन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na प्लस और H माइनस के रूप में। दिस सजेस्ट दैट वन हाफ रिएक्शन इन दिस प्रोसेस, तो यहाँ पर हम लोग उसको दो सेपरेट रिएक्शन में दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हुए और एक में गेन करते हुए। तो जो पहला जो हाफ रिएक्शन होगा वो ये रहा, सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस को दिखाना और सोडियम आयन बनना, और दूसरा जो अदर हाफ जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द रिएक्शन, तो यहां पर जो रिएक्शन को जो बांटा गया है अंडर एग्जामिनेशन और इसको जांचने के लिए दो हाफ रिएक्शन में तोड़ दिया गया है, इसको जांचने के लिए ऑटोमेटिकली रिवील्स दैट, तो यहां पर खुलासा हो रहा है तब कि हेयर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, कि यहां पर तब ऑटोमेटिकली रिवील इस बात का हो रहा है कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। देयरफॉर तो कंप्लीट रिएक्शन जो है रेडॉक्स चेंज है, क्योंकि यहां पर देखिए एक एलिमेंट का ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जहां पर ये दोनों देखने को मिलता है कि ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी, तो ऐसे चेंज रेडॉक्स चेंज ही कहलाते हैं।